For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. इस साल नवंबर के महीने में रिलीज होने वाली दोनों बिग बजट फिल्म्स 2.0 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान कई वजहों के चलते सुर्खियों में छाई हुई है। जहां एक तरफ दोनों ही फिल्में बड़ी बजट पर बनाई गई हैं, वहीं दूसरी ओर दोनों में ही भारी भरकम VFX का भी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इनके अलावा इन दोनों फिल्मों में आखिर कौन सी खास बात है जो इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है? तो बता दे, जहां एक तरफ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लाइमैक्स को लेकर दर्शकों के दिल में सवाल है, वहीं 2.0 के क्लाइमैक्स को लेकर भी दुविधा तो रह ही जाती है। दरअसल इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के क्लाइमैक्स में आमिर खान और अमिताभ बच्चन में से किस किरदार को मार दिया जाएगा। तो वहीं 2.0 के क्लाइमैक्स को भी लेकर वही दुविधा है, आखिर रजनीकांत और अक्षय कुमार में से किसके किरदार को इस साइंस फिक्शन के अंत में मार दिया जाएगा। ऐसे में इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। इस साल रिलीज होने वाली दो बिग बजट फिल्म्स ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और 2.0 अपने ट्रेलर और टीजर तो रिलीज कर ही चुके हैं। अब ऐसे में अगर हर तरफ किसी बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, तो वो है 2.0 के टीजर में इस्तेमाल किए गए VFX और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के ट्रेलर में इस्तेमाल किए गए VFX को लेकर। जहां दोनों ही फिल्में इस मामले में खड़ी उतरी हैं, वहीं हम आपको बताना चाहेंगे रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर 2.0 का बजट 543 करोड़ है, तो वहीं दूसरी ओर आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टारर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बजट 300 करोड़ के आसपास है। अब ऐसे में नवंबर के महीने में रिलीज होने वाली इन दोनों फिल्मों के सफलता को एक दूसरे से नापा जाना तो तय है। ऐसे में आपको किस फिल्म का VFX का काम ज्यादा पसंद आया है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या फिर 2.0? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।